इसराइल ने ईरान में कहां कहां हमले किए, सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। इसराइल के ईरान पर हमले की सैटेलाइट के जरिए तस्वीर सामने आई हैं। रॉयटर्स के मुताबिक एक अमरीकी मुहक्किक ने कहा कि इसराइल ने हफ्ते के रोज एक फिजाई हमला किया जिसमें एक इमारत को निशाना बनाया गया जो पहले ईरान के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम में शामिल थी। मजीद बरा ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सहूलियात को भी मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने इतला दी कि इसराइली जंगी तैयारों ने छोटे बमों का इस्तेमाल करते हुए 3 सूबों पर हमला किया। ये तजिए तजारती सैटेलाइट तस्वीर पर मबनी है जो डेविड एल्ब्राइट, एक साबिक अक़वामे मुत्तहिदा के हथियारों के इंस्पेक्टर, और डेक रेवेल जो वाशिंगटन के एक थिंक टैंक CNA में एसोसिएट रिसर्च एनालिस्ट है, ने अलग अलग किए। उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि इसराइल ने पारचेन में इमारतों को निशाना बनाया जो तेहरान के करीब एक वसी फौजी कॉम्प्लेक्स है। रेवेल के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के करीब बाकी एक वसी मिसाइल साइट को जेर कोजेर को भी निशाना बनाया। इसराइली फौज ने कहा कि हफ्ते के सुबह 3 इसराइली जेट तैयारों ने तेहरान के करीब मगरब ईरान में मिसाइल फैक्ट्रियों और दीगर साइट्स को तेहरान के 1 अक्टूबर के इसराइल पर मिसाइलों के हमले के रद्दअमल में निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने कहा कि इसराइली जंगी तैयारों ने हल्के वॉरहेड्स का इस्तेमाल करते हुए एलाम, खुजस्तान और तेहरान के यर्दनवाह में बॉर्डर रडार सिस्टम को निशाना बनाया।